हे गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम खेलने वाले हैं माइनक्राफ्ट हार्डकोर सीरीज, जो कि हम खेलने वाले हैं आज। तो मुझे बहुत सारे स्ट्रक्चर मिलने वाले हैं और लकी होने वाला है ये सीरीज। तो चलो शुरू करते हैं। मैं स्पॉन हो चुका हूँ जंगल बायोम में, जो कि बहुत ही लकी बात है। और मैं अभी करने वाला हूँ सर्वाइव शुरू। तो पहले ही मैं कर लेता हूँ ये बम्बू को तोड़ कर। तो बम्बू तोड़ने के बाद मैं चला जाता हूँ अब शुगर केन तोड़ने, क्योंकि मेरे सामने ही शुगर केन था। तो मैंने शुगर केन तोड़ लिया। फिर मैं चला गया बेसिक टूल बनाने, जो कि पेड़ कटाई। पेड़ को कटाई करने के बाद फिर मैं एक पिकेक्स बना लेता हूँ। फिर मैं जानवरों को मारता हूँ, खाने के लिए मारता हूँ। और मुझे वूल भी चाहिए था, क्योंकि बेड बनाना था। और कुछ पम्पकिन भी दिख जाता है, तो पम्पकिन भी मैं उठा लेता हूँ। फिर मैं चला जाता हूँ एक केव के अंदर, जो कि बहुत बड़ा केव था। तो पहले से ही मैंने लाइट बिछा के रखा था, तो ये देख सकते हो। और मुझे बहुत सारे आयरन मिल गए थे, तो उनको भी स्मेल्ट कर लेता हूँ। तो मैंने भूल गया था रिकॉर्डिंग करने के लिए, तो सॉरी इसलिए। और बहुत सारे आयरन मिल जाता है, देख सकते हो। मैं केव के अंदर आ चुका हूँ और बहुत सारे आयरन ओर को माइन कर चुका था, मगर मैंने उसको रिकॉर्डिंग करना भूल गया। बहुत सारे कोल और मैंने फर्नेस बना के उनको स्मेल्ट कर दिया, देख सकते हो। और इधर गोश्त भी है, तो गोश्त को भी पका लिया, मतलब चिकन। अभी मैं जाने वाला हूँ डायमंड की खोज पर। तो देख सकते हो मुझे डायमंड मिल चुका है, और इनको मैं कलेक्ट कर लेता हूँ। फिर मैं एक डायमंड का पिकेस बना लेता हूँ और फिर चला जाता हूँ माइनिंग पर। माइनिंग से आने के बाद मैंने एक चेस्ट प्लेट बना लिया, एक लेगिंग्स बना लिया, और एक हेलमेट और एक जूता भी बना लिया। फिर मैंने पूरा आयरन आर्मर को खोलकर डायमंड आर्मर पहन लिया, और देख सकते हो मेरा पूरा डायमंड आर्मर कंप्लीट। माइनिंग वगैरह करने के बाद मैं चला जाता हूँ एक्सप्लोरेशन में, और मुझे मिल जाता है एक विलेज जहाँ मैंने लूट मच किया, बहुत सारे गायों को मारा, और मुझे लेदर भी मिल गया था बहुत सारे। तो मैंने यहाँ हेबल थे, तो हेबल को मैं तोड़ लेता हूँ। फिर विलेज का चेस्ट वगैरह मैं लूट लेता हूँ, और मुझे बहुत सारे प्रोडक्ट और एप्पल मिल गए थे, और एक एमरेल्ड। घर आते आते मुझे बहुत सारे शुगर केन मिल गए थे, और बहुत सारे गायों को मैंने मारा था, और उनसे लेदर भी मिल गए थे। तो लेदर से हम बना लेते हैं बहुत सारे बुक। मैं चला जाता हूँ पासों के गाँव में, और मुझे एक लाइब्रेरियन दिखता है, जो कि बहुत ही अच्छा एंचेंटमेंट दे रहा था। मुझे पावर 5 का एंचेंटमेंट दे रहा था, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। एंडर ड्रैगन को मारने में बहुत ही आसान होगी। तो मैं चला जाता हूँ उस गांव के अंदर, और मैं सेटअप करने लग जाता हूँ एंचेंटमेंट टेबल का। एंचेंटमेंट टेबल क्राफ्ट करने के बाद बिठा देता हूँ उसको पास में ही, और मेरे को स्वॉर्ड में स्माइट 4 दे रहा था, और पिकेक्स में दे रहा था अनब्रेकिंग। तो पहले मैं अनब्रेकिंग ले लेता हूँ, क्योंकि मेरा पिकेक्स टूट चुका था। तो मैं अनब्रेकिंग लेता हूँ और बो में चेक करता हूँ, तो बो में मिल जाता है फ्लेम। तो मुझे लेवल बढ़ाना पड़ा, फिर मैंने फ्लेम ले लिया। फ्लेम लेने के बाद पावर 4 भी दे दिया था, और मेरे पास पावर 5 का एंचेंटमेंट था। तो मैं चला गया विलेजर के पास और इन्फिनिटी लेने। तो ये जो विलेजर है मुझे इन्फिनिटी दे देता है, बहुत ही ज़्यादा मेहनत करना पड़ा इसके पीछे, और आखिर में ये मुझे इन्फिनिटी दे देता है। फिर मैं एक इन्फिनिटी ले लेता हूँ। मैं चला जाऊँ एक्सप्लोरेशन में, और एक्सप्लोर करते करते मुझे मिल जाता है एक वुड लैंड मेंशन, वो भी फॉरेस्ट बायोम में। बीच फॉरेस्ट इनको बोलते हैं, मगर बीच फॉरेस्ट में वुड लैंड मेंशन नहीं मिलता है, वो डार्क वुड फॉरेस्ट में मिलता है। बहुत ही रेयर बात है भाई, फॉरेस्ट में मिल गया मेरे को। और मैं चला जाता हूँ वुड लैंड मेंशन के अंदर। तो वुड लैंड मेंशन के अंदर जाने के बाद मैं टोटेम वाले मॉब को मार देता हूँ, पता नहीं इसका नाम क्या है, तो इनको मार देता हूँ। हमको लगता है ये रेवेजर बोलते हैं इसको, तो रेवेजर को मार देता हूँ। और रेवेजर को मारने के बाद मैंने कुछ बुक कलेक्ट कर लिया, क्योंकि मुझे बुक की ज़रूरत है, तो बुक को भी मैं ले लेता हूँ। फिर मुझे मिल जाता है एक स्पाइडर स्पॉनर,
जो कि मेरे लिए एक EXP फार्म होने वाला है। तो मैं EXP फार्म को बनाने लग जाता हूँ, आप तब तक टाइम लैप्स एंजॉय करो। फार्म कंप्लीट होने के बाद स्पाइडर स्पॉन हो चुका है। अभी देख सकते हो मैंने बहुत सारे स्पाइडर को मार चुका हूँ। और स्पाइडर को मारने के बाद मैं आ जाता हूँ एन्चेंटिंग टेबल पे और मेरा जो पूरा डायमंड का आर्मर है उसको एन्चेंट करने लग जाता हूँ। और मुझे लेगिंग्स पे मिल जाता है फायर प्रोटेक्शन, तो मैं नहीं लेता हूँ। और हेलमेट पे मिल जाता है मुझे प्रोटेक्शन 3, जो कि मैं ले लेता हूँ क्योंकि प्रोटेक्शन 3 बहुत ही अच्छी बात होती है। और मेरे जो पुराना डायमंड का आर्मर है उसको रख देता हूँ। फिर मैंने दोबारा चेक किया और मेरे पैंट पे अनब्रेकिंग मिल रहा था। अनब्रेकिंग के साथ प्रोटेक्शन 3 भी मिल चुका है। तो मैं अभी तैयार हो चुका हूँ और एक जो विलेजर है मुझे सिल्क टच दे रहा था, तो वो भी मैं परचेस कर लेता हूँ। तो सिल्क टच बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि मुझे बहुत सारे और भी उठाना था। और सिल्क टच देने के बाद मैं बहुत ही खुश हो जाता हूँ और मैं चल जाता हूँ नेदर के अंदर। तो नेदर के अंदर मुझे कुछ निब्बा और निब्बी दिखे तो उनको मैं गोल्ड खिला देता हूँ। गोल्ड खिलाने के बाद मुझे बहुत सारे चीज़ कबार भी मिला है बहुत सारे, तो मेरा गोल्ड भी बर्बाद हो गया था। बर्बाद नहीं हुआ था, मुझे बहुत सारे चीज़ भी मिल गए, जैसे कि इंटरपल और फायर रेजिस्टेंस का पोशन और सोल स्पीड वाला एन्चेंटमेंट मिल गया था, तो वो हम ले लेते हैं। पास ही में मुझे मिल चुका था एक नेदर फोर्ट्रेस। मैंने फायर रेजिस्टेंस का पोशन लिया और मारने ले गया ब्लेज़ को। मैं आ जाता हूँ एंडर मैन को मारने, क्योंकि मुझे एंडर पल चाहिए था और मेरे पास 8 ही एंडर पल थे, तो मुझे और 8 चाहिए था। तो कुछ एंडर मैन को मारता हूँ। एंडर मैन को मारने के बाद मैं चला जाता हूँ सीधा घर। घर में मैं ब्लेज रॉड लेता हूँ और ब्लेज बना लेता हूँ, ब्लेज पाउडर। ब्लेज पाउडर बनाने का मैं आई ऑफ एंडर बना लेता हूँ। आई ऑफ एंडर मैं थ्रो करता हूँ, तो थ्रो करने के बाद मुझे इस दिशा में दिख रहा था, तो मैं सीधा उस दिशा में चला जाता हूँ। मैंने एंडर पर्ल कलेक्ट करने के बाद मैं आ जाता हूँ इस नदी के अंदर। तो नदी के अंदर मुझे स्ट्रांग होल्ड दिख गया था, तो मैं फिर केव के अंदर आ चुका हूँ। नदी के नीचे एक केव है, केव के अंदर ही मुझे कुछ ब्रिक दिख रहे थे, तो मैं घुस जाता हूँ डायरेक्ट। और इधर लावा था, तो मुझे ध्यान से कूदना चाहिए था, अगर लावा में गिर जाता तो मैं डायरेक्ट टपक जाता। तो मेरे पास एक प्रोटीन भी है, डाइट नहीं टपकता। तो फिर मैं चला जाता हूँ स्ट्रांग होल्ड के वो मेन वाले जगह पर। मेन वाले जगह पर जाने के बाद मुझे दो, पता नहीं ये क्या था, हाँ इसको सिल्वर फिश बोलते हैं। तो सिल्वर फिश को मारने के बाद मैं पूरा आई ऑफ एंडर एंडर पर लगा देता हूँ। आई ऑफ एंडर, आई ऑफ एंडर लगाने के बाद मैं सीधा डुबकी लगा देता हूँ। डुबकी लगाने के बाद इन दीवारों को मैं तोड़ता हूँ। ड्रैगन लास्ट हिट बचा था, तो लास्ट हिट में उनको तीर से ही मारूंगा। तो तीर चला रहा था और मेरा जो सारा निशाना था वो चुक रहा था, तो लास्ट हिट लगा और टपक गया। एंडर
ड्रैगन को मारने के बाद मैं सीधा चला जाता हूँ एंड सिटी पर। मैंने एंड सिटी पर एक एंडरपल थ्रो किया और सीधा पहुँच गया अच्छी लोकेशन पर, जो कि बहुत ही अच्छी लोकेशन है। तो फिर मैं चला जाता हूँ एक आइलैंड को क्रॉस करती हूँ, और मैं जो पहना हूँ वो कद्दू का मुकुट है, जो कि बहुत ही अच्छा है। इससे क्या होता है कि एंडरमैन के आँखों में देखते हो तो कुछ नहीं बोलते हैं। और मैं चढ़ जाता हूँ सीधा एंड शिप के अंदर और एक एंडरपल थ्रो करता हूँ और पहुँच जाता हूँ एंड शिप के अंदर। फिर मैं जाता हूँ और डायरेक्ट कलेक्ट कर लेता हूँ। मेरा जो अचीवमेंट है वो कंप्लीट हो जाता है इलाइट्रा लेने के बाद, और चेस्ट में कुछ नहीं था, कवार था। वीडियो को कैसा लगा लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब जरूर कर देना, और हम नेक्स्ट पार्ट जरूर लेके आएंगे और उसमें घर वगैरह वगैरह और फार्म, बहुत सारे फार्म बनाएंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।